गोविंदा गो म्हण गो गोविंदा हाय पे मैं जस्ट दाणो जो असता पे ना असं करू मोडप माम कित कर तर गे माम टीवी आ हेलो गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज है फ्राइडे और आज है बड़ी दिवाली यानी कि तुलसी विवाह। तो आप सबको बड़ी दिवाली और तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। तुमका सगळ्यांक वडली दिवाळीची खूब खूब परबी। तो सुबह के जो है ना अभी 9:30 हो चुके हैं और मेरा क्लीनिंग वगैरह जो है ना वो सब कुछ मैंने कर लिया, शावर भी ले लिया है, ब्रेकफास्ट भी हो गया अभी जो है ना। और अभी मैं जा रही हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। पहले जो है ना सब कुछ कुकर वगैरह ले लगा कर रख देती हूँ, बाद में जो है ना एक ही साथ खाना बनाऊंगी। वेजिटेबल्स वगैरह पहले सब कुछ चॉप करके ले लेती हूँ, बाद में चॉपिंग करो उसके साथ कुकिंग करो प्रॉब्लम हो जाता है। सब जो है रेडी रखा ना तो खाना बनाने में इजी हो जाता है। तो पहले मैं सब कुछ चॉप वगैरह करके ले लेती हूँ, कुकर वगैरह लगा लेती हूँ। आज मेन्यू एक्चुअली हाड़े से डिसाइड किया कि आज शीत दाळ खतखते आंबाड्याची चटणी पुरियो आणि गोडशे इतले हे सगळे करपाक जाय। इतले सगळे करता म्हणजे टाइम लागता नी त्याला लागून। तो हे सब जो है ना खाना मुझे अभी बनाना है। सुबह के 9:30 बज चुके हैं और मुझे जो है ना पहले भगवान की पूजा वगैरह का जो है ना थोड़ी सी तैयारी करके ले लेती हूँ। फूल वूल जो है ना सब रेडी करके ले लेती हूँ। यहाँ पे मैंने अभी तक दिया बत्ती भी नहीं की है। इनको जो है ना अभी नहाने में टाइम है तो सोच रही थी कि पहले दिया बत्ती करके ले लेती हूँ फिर किचन में जाऊंगी। भगवान जी को पूजा के लिए ना इन्होंने बर्तन वगैरह साफ कर दिए, सुबह फूल भी निकाले। मुझे जो है ना सिर्फ यहाँ पे दिया बत्ती करनी है और भगवान जी को फूल चढ़ाना है, बाकी कुछ नहीं। तो वो सब कुछ पहले जो है ना मैं करके लेती हूँ, बाद में खाना बनाऊंगी। भगवान जी की पूजा के बाद ना अभी यहाँ पे खाना बनाना मैंने स्टार्ट कर लिया है। पहले जो है ना ये सब वेजिटेबल्स वगैरह चॉप करके यहाँ पे कुकर में लगाऊंगी और फिर जो है ना यहाँ पे आंबाड़े जो है ना इसे भी क्लीन कर लिया है, इसे भी सोक कर लिया और ये जो है ना यहाँ पे वेजिटेबल भी चॉप करके रखा है। सिर्फ जो है ना मिक्सर लगाना है और उसके बाद खाना बनाना स्टार्ट करना है। तो पहले जो है ना मैं ये सब खाना वगैरह बनाती हूँ और आप लोगों से जो है ना बाद में ये सब खाना वगैरह बनकर रेडी हो जाने के बाद मिलते हैं। हेलो, यहाँ पे जो है ना मेरा सारा खाना रेडी हो चुका है। 12:15 बज चुके हैं, ज़्यादा कुछ टाइम नहीं हुआ, सिर्फ 12:15 ही हुए है। और ये रहा यहाँ पे मेरा खाना, एक खीर आज जो है ना शेवया की खीर बनाई है, दूध गर्म करके रखा है। यहाँ पे मेरा चावल जस्ट है ना मैंने इसमें चावल धोकर डाला है तो चावल उबल जाएगा तो चावल ये भी बन जाएगा। यहाँ पे सब्जी पत्ता गोभी की और खतखते और उसके साथ ना यहाँ पे ये वाली आंबाड्याची चटनी, इतना सब कुछ रेडी हो गया मेरा। और मैंने यहाँ पे आटा जो है ना वो भी गूंथ के रख लिया, थोड़ी देर बाद जो है ना इसकी पूरियाँ भी बनाऊंगी। खाना तो हो गया रेडी, सिर्फ जो है ना चावल थोड़े से उबल जाए ना उसके बाद पानी छान के लूंगी और हो गया। और सिर्फ 12:15 ही बजे है, 12:30 के आसपास जो है ना पूरियां तलने लगूंगी। आटा गूंद के रखा है, सिर्फ जो है ना उसको बेल कर तलना है। पूरियां झटपट से हो जाती है, रोटियां बनाने में मुझे टाइम लगता है। तो अभी जो है ना चावल जब तक पक जाता है या फिर 12:30 जब तक नहीं बचते है ना तब तक जो है ना मैं थोड़ा सा रेस्ट लेती हूँ। हॅलो, दंपारच्या नी 1:15 झाली आणि आता नी म्हाका पान दाखवूक जाय। जस्ट पुरयो बी सगळं रेडी केल्यो, सगळे जेवण रेडी असं 1:15 झाले। पहिली पान दाखयता मागीर आमी बी जेवता।
किद्याक लागून जाणा आयज न्ही क्लायमेट असो आसा भायर मुदीत वत येता मुदीक सामकी दमटी जाता पावसाचे कांय धड लागना म्हण हो म्हणटालो बेगीनूच आयज आमी तुळशीचे लग्न करया एक्चुली आमी किदें करतली साता नंतर बी अशी करताली सो हो म्हणटा ते स म्हटला तरी करया म्हण मागीर बेगी बेगीन जेवन घेता रांगोळी बी सगळी घालता तयारी करूंक जाय तुळशीक बीन सगळे रेडी करूंक जाय न्ही ते सगळे बेगी बेगीन जेवता आनी करता तेका लागून आतां बेगी तेका लागून साडी बी आनी कांयच न्हेसपाक वचना म्हण पावलो बेगीन पान दाखय आमी जेवया दोन म्हणल्यार तूं तुगेलीं सगळीं आयदनां बी धुवन कंप्लीट करत आमी दोनांक म्हणल्यार स्टार्ट करया हाडपाक लागलो हें सगळें करपाक मागीर रांगोळी बी घालता आनी तो थंय कितें करता तें हॅल्प बी करपाक जाय न्ही अशें म्हण तुमी कमेंट करचे पयलींच तुमकां पयलींच एक्सप्लेन करता की हांव साडी कित्याक न्हेसुना तें परत न्हेसपाक 15-20 मिनटां देवाक 2 मिनटांचें काम पान दाखोवपाचें मागीर परत 5-10 मिनटां सोडोवपाक तीन बज चुके हैं अब और अब जाकर जो है ना मैं सारे कामों से मेरे फ्री हो चुकी हूँ अभी जाना है बाहर इन्होंने जो है ना छोटा मोटा कुछ कुछ करके रखा है देखते हैं दिया जो है ना वो रेडी करने है रंगोली डालनी है बाकी का बाहर जो तुलसी को सजाना वगैरह है ना मतलब वो फूल लगाने हैं रंगोली तुलसी के पास बनानी है पत्ते आम के पत्ते जो होते हैं ना वो लगाने वो सब करना है वो सब कर लेते हैं अभी और जो है ना 5 बजे तक मुझे हैनी हाँ सब कुछ करके बाद में झाड़ू वगैरह लगा के क्लीन करके कंप्लीट करना है क्योंकि 5 बजे के बाद मैं रेडी हो जाऊंगी और 6 बजे जो है ना एग्जैक्टली आज हम तुलसी विवाह करेंगे ऐसा हमने सोचा है देखते हैं कब क्या कैसे होता है जो जो जैसे जैसे याद आ रहा है ना मैंने वो सब वैसे वैसे यहाँ पर निकाल के रखा है और ये सब फूल वूल वगैरह इसको ना देख कर बाहर जाते और यहाँ पर मेरा ट्राइपॉड और इसमें जो है ना अभी मुझे दिए सेट करने हैं मेरा ये वाला काम तो हो गया पहले जो ना इनको देख कर आते हैं और फिर ना रंगोली डालेंगे इन्होंने तो आधा सेट भी कर लिया क्या रे बाबू इतना सारा जो है ना हो गया जो ट्रेडिशनल वे में जिसे सजाना था ना जैसे जैसे वो हो गया एक केली के स्टिंग बाद में शुगर केन वो सब और अभी जो है ना यहाँ पे ये वाले इन्हें लगाने हैं साळका आम का कंपलसरी नहीं लावपाक तुमका काल सांगितलं पे त्या प्रमाणे ही नहीं आता हेणे विकती हाडल्या 20 रुपीसा एक गाय 20 रुपीसा सगळे खबर ना 20 रुपीस म्हणटालो हे घेऊन येला हे आता नी कसे आम्ही कसे मोडून कसे घालतात ते तुमकां दाखयता आणि काल आम्ही हाडलेली ती पळ हांगासर बॉटलीन घालून दवरलेली ती जाम झाल्या मातशी आणि आयज नी हांव भायर बी व्हडली रांगोळी मातशी बी घालपाना फक्त तुळशीचे कडेन जी रांगोळी घालपाची आसा पळय तीच घालतलें आनी घालचीच ना व्हडली कित्याक आमच्या ह्या सायडी म्हटल्यार आनी फुडें ते सायडी कदरा बी सायडीन खंय न्ही भरपूर पावस पडटा सो आमी आतां हे जशें जाता पळय तशें बेगी बेगीन करता आनी तुळशीचें लग्न बेगीन हें करता पुजा बीन कित्याक भायर क्लायमेट पळयल्यार तर दिसता आनी एक तासभरान म्हटल्यार आनी एक वरभरान पडटलो पावस सो ताका लागून रांगोळी बी घालपाक आनी घेवन बसता हांव हांगा रांगोळी घालता म्हळ्यार पावस येयलो म्हणून सगळो
सो मासी शास्त्रा के लिए तुळशीचे कडे घालता आणि करता. एव्हरी इयर अशात असता. लास्ट इयर नाशिल्लो पावस, त्याच्या लास्ट इयर नी, लास्ट टू लास्ट इयर इतको पावस तुका. आम्ही सत्री घेऊन सगळे भिजोन भिजोन जोडवे बी म्हाका जोडोवपाकूच मेळना तुळशीकडे. हांगा दारान बसून जळयला इतलो पावस पडलेलो. एव्हरी इयर दिवाळेक तुळशीच्या लग्नाक पावसाचे कारनामे असताच. हे तुमकां दाखयता कशें मोडटा तो सारका. जस्ट दाणो जो असता पळय ना, असो करून मोडप आणि तो बरो एक हार तयार जाता. मागीर आत्ता कसं घालप तर घाल. खूप लांब असा मरे. असं करून घालप मागीर. आता ही सगळी साळखा जी असा पळय न्ही, ती अशीच करून मोडप. एक पावटी ह्या सायडीन, एक पावटी त्या सायडीन. अशें दाखयता, परत दाखयता. थंय स्टार्टींग अशें करून घेवप. चौका दाखय. मोडप आनी मातशी ओडप. तेंची वयली साल आहा ती. एकदा हे सायडीन मोडप, एकदा त्या सायडीन मोडप. अशें करून मोडप आनी हार टायप करप. टॅलंट, टॅलंट, टॅलंटेड हजबंड. किरे बाबा कित काढलं ग कोण असं दिसता. गणपती उलट दाखल करतात. गणपती व्हिडिओ काढत नाही ना. पावस येल जाल्यार सगळे धुवन वयतले. 6:15 है और मैं हो गई हूँ यहाँ पे रेडी. फाइनली जो है ना, मैंने यही वाला रेड कलर का नौवारी पहन लिया है. इसके साथ ग्रीन कलर का ब्लाउज जो है ना, मैंने मिसमैच कर लिया. हालांकि इस पे ग्रीन कलर का ही पे भी नहीं है, यहाँ पे ना गोल्डन कलर का वर्क बना हुआ है. लेकिन मुझे गोल्डन कलर का ब्लाउज वगैरह अच्छा नहीं लगता है. मेरे पास लेकिन मैं पहनती नहीं हूँ. कंगन पहन लिए और नेकलेस पहनने वाली थी मैं, मेरी ठूशी. लेकिन उसका जो थ्रेड है ना, वो थोड़ा छोटा है. ऐसे हेयरबन वगैरह बनाए ना, यहाँ पे आपको दिख रहा है पीछे, तो हेयरबन वगैरह बनाए तो वो ना जाता ही नहीं है. बाल मैंने ट्राई किया था और बाल जो है ना यहाँ पे खराब हो गए, तो इसीलिए उसे वहीं पे रखा. और ये मेरे पास एक नेकलेस था, गोल्ड का नहीं है, ऐसा ही है, वो पहन लिया. खाली लग रहा था ना इसीलिए. मैंने जो है ना गोल्ड वगैरह लाया ही नहीं कुछ. तो फटाफट से जो है ना बाहर चलते हैं. 6:15 हैं क्योंकि मम्मी ने कॉल किया था, तो वहाँ पे जो है ना हल्की हल्की सी बारिश होने लगी है. इसीलिए बारिश यानी कि वो घड़म घुड़म हो रहा है वहाँ पे. मम्मी ने कहा कि जल्दी जल्दी करो, तुम्हारे यहाँ भी कहीं बारिश ना जाए करके. तो मैं फटाफट से रेडी हो गई हूँ. सब कुछ रेडी करके रखा है मैंने हॉल में वहाँ पे. तो इनको बोला है बाहर लेके जाने के लिए, तो ये सब जो है ना बाहर लेके जा रहे हैं. चलते हैं बाहर और देखते हैं. फाती जो है ना मेरी बाहर ही है, बाहर जाके पहनती हूँ. मैंने ना यहाँ पे दिए वगैरह सब जगह इस तरह से सेट करके रखे हैं, मतलब लगा कर रख दिए. अभी जो ना इनको पहले जला देती हूँ. तशेंच करूंक मेळटा.
तू चुरमुल्यान घालपा न्ही तीन जाता मरे नैवेद्य गोविंदा 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 आरती म्हणप तेका कालच दिसना न्ही काय काय माम कित करत तर गे माम टीवी आणि न्ही मातशे ते मातशे वयर उरूं जाय हे लावण हे सायडीन दवरता हे सायडीन लावण आता तो इल्लोसो कुडको मेळो तेका अगे ना बरना हिलो तुळशीचे लग्न तुळशीचे लग्न फायनली झाले तुळशीचे लग्न पावस मामी दिले हाय पान हय भायर नी घडघड मारता झगलो मारता आणि वारो खूप चालू असा म्हणजे वारो मारता अशी दिसता पावस आत्ता येतला म्हणून आम्ही बेगी बेगीन फास्ट फास्ट केले आणि आणि टायम काढू ना टायम म्हाका दिसता आता सात सवाय सात झाले असतील आम्ही साडेस पावणे सात म्हणजे स्टार्ट केले सो झाले तुळशीचे लग्न आम्ही दोघ जण न्ही किती कळटा तसे केले आणि आमचे थंची पद्धत वेगळी हांगची पद्धत वेगळी जाता बट हांगा जोडवे बी ना जुळोवपाक पण हांव जळयता जोडवे बीन सो ते सगळे केले जोडवे बीन हे झाले म्हणजे आता जळोवन गेले सगळं आता हे सगळे जे भितर व्हरपाचे असा म्हणजे भितर व्हरू जाता ते व्हरता थोडे जे किती हांगा दवरपाचे ते हांगाच दवरिता आणि मागीर फाल्यां आता चेंज करता असे मन आशिल्ले फोटोशूट बी करपाचे बट आता तो गडगड आणि झगलो पहिला नाका फोटोशूट बी काय असे दिसता लोकांचे चालू असा गोविंदा तर चला भितर वयता मेळटा तुमकां मागीर चेंज बी करता आता दोन तीन तीन चार दीस जाले कंटिन्यू तुळशीचे लग्न करून तयारेक लागलेले आणि आता पण पाच दहा मिनटां भितर झाले सगळे चल हे सगळे आटोपन घेता बाकी रातची नी नऊ झाली रात के अभी बज रहे हैं नऊ और हमारा जो है ना यहाँ पे हो रहा है खाना गरम डिनर का टाइम हो गया ना सुबह से जो है ना थोड़ी सी भागदौड़ हो गई ज़्यादा नहीं थोड़ी सी जो है ना भागदौड़ हो गई तो अभी जो है ना खाना वगैरह खा के बाकी का सब कुछ सामान जो है ना अपनी जगह सेट करना है और उसके बाद सोना है थोड़ा सा जो है ना टायर्ड जैसे फील हो रहा है और ये देखो आप हेलो
तो यहीं पे किचन में जो है ना अभी मैं खाना वगैरह गरम कर रही थी। थोड़ा सा खाना जो है ना राइस वगैरह जो बचे थे ना चटनी वगैरह वो मैंने फ्रीज में रख दिया। सिर्फ जो है ना यहाँ पे खीर और कहाँ गया ये वाला, यहाँ पे मैंने ग्रेवी जो बनाई थी ना खतखते वो रखा है बाहर, अभी इसको खाएंगे। पूरी भी है वो सब खाएंगे और सोना है। अभी थोड़ा सा टायर्ड जैसा फील हो रहा है तो ये सब मैं बाकी का जो भी काम बचा है ना वो मैं कर लेती हूँ और आपसे जो है ना कल फिर मिलने आती हूँ एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर। हाँ, एक और बात, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। बाय बाय।